हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राज कचौरी। सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज कचौरी बनाने की सामग्री है, 2 बॉयल किया हुआ आलू है जिसे हमने छील कर कट कर लिया है, 1/2 कप बॉयल किया हुआ चना, चने को हमने नमक डालकर बॉयल कर लिया है, 1/2 कप हरा मूंग है इसे भी हमने नमक डालकर बॉयल कर लिया है, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 कप सेव, हरा धनिया पत्ता 1 चम्मच बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच अनारदाना, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 3 बड़ा चम्मच इमली की मीठी चटनी, 3 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 1/2 कप दही, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, पानी, 1/2 कप मैदा, 1/2 कप बारीक वाली सूजी, नमक स्वाद के अनुसार, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 2 बड़ा चम्मच तेल। कचौरी के लिए डो तैयार करेंगे। बॉल में मैदा डालेंगे, बारीक वाली सूजी, नमक स्वाद के अनुसार 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 2 चुटकी बेकिंग सोडा। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिलाएंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम मोयम के लिए 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इस तरह से हम 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। मुट्ठी हमारी बन रही है, इसका मतलब है कि मोयम हमारा परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। सख्त डो हमारा तैयार है। इसी तरह का डो तैयार करना है। डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे, चकले पर हम तेल लगाएंगे, लोई को रखेंगे और बेलेंगे। इस तरह से हम पूरी के जैसा बेल कर तैयार करेंगे। पूरी को तलने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इस तरह से तेल में डाल देंगे और इस तरह से हम दबाते हुए फुलाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम पलट लेंगे और सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। पूरी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पूरियों को भी फ्राई कर लेंगे। कचौरी को हम इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे, चना डालेंगे, मूंग, दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, फिर से आलू, चना, मूंग, थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, बारीक वाली सेव, फिर से अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ी सी दही, हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी, अनार का दाना, थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा धनिया पत्ता
बहुत ही स्वादिष्ट राज कचौरी बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।